एवरीवन, वेलकम टू सुजाना कार डेकोर। आज हम बात करेंगे बलेनो के बेस मॉडल के बारे में। इस गाड़ी में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है उसके बारे में आपको बताते हैं आज। तो ये हमारे पास बेस मॉडल आया हुआ था, ये गाड़ी हमारे पास अब तैयार हो चुकी है, जो बलेनो का बेस वेरिएंट आया हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट व्यू के बारे में। तो फ्रंट व्यू में हमने जो इंस्टॉल किया है वो ओरिजिनल मारुति सुजुकी कंपनी की हमने फ्रंट ग्रिल इंस्टॉल किया है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा देता हूँ जो बेस मॉडल में जो ग्रिल आती है, ये देख सकते हो आप, ये वाली ग्रिल लग के आती है। हमने इसको रिप्लेस किया और यहाँ पे हमने टॉप मॉडल वाली देख सकते हो आप इंस्टॉल किया है। उसी के साथ मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने इसमें फोग लाइट भी लगाई है, देख सकते हो। ये भी आपको हमारे पास प्रॉपर बलेनो गाड़ी की मिलेंगी। उसी के साथ बात करते हैं अब साइड व्यू के बारे में। तो साइड व्यू में हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, तो ये देख सकते हो हम इस गाड़ी के अंदर हमने जो हैंडल क्रोम लगाए हैं, साथ ही साथ हमने इसमें लोअर गार्निश लगाई है। और जो लोअर गार्निश हमने इसमें इंस्टॉल की है, विंडो गार्निश भी बोलते हैं जिसको, ये आपको हमारे पास प्रॉपर पीछे तक की मिलेगी, यहाँ तक की देख सकते हो, ओएम फिटिंग के साथ मिलेगी। और ये हमारे पास मारुति सुजुकी की ओरिजिनल आपको लोअर गार्निश मिलेगी। मार्केट में जो लोअर गार्निश आपको देखने को मिलेगी वो यहाँ तक की आती है, बट जो हमारी शॉप पर आपको ये देख सकते हो यहाँ तक की प्रॉपर फिटिंग के साथ लोअर गार्निश आपको मिलेगी। और जो आपको दिखा देता हूँ मैं, जो हमने इसमें खास आइटम लगाई है वो है साइड मिरर ऑटोमेटिक, जो हमने इसमें साइड मिरर लगाए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ जो बेस मॉडल के अंदर जो मिरर लग के आते हैं, तो ये वाले मिरर लग के आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी वर्किंग दिखाता हूँ कैसे वर्क करेगी। ये देख सकते हो ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, लॉक अनलॉक के साथ भी वर्क करेंगे। और अंदर जो हमने इसमें स्विच लगाया है वो भी मैं अंदर दिखाऊंगा आपको वीडियो में। तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ जो हमने इसमें शीशे इंस्टॉल किए हैं, मिरर इंस्टॉल किए हैं, वो ओरिजिनल हमारे पास आपको मारुति सुजुकी के मिलेंगे। देख सकते हो ये बॉक्स है, और मैं MRP भी दिखा देता हूँ। एक शीशे की MRP है जो 4500 रुपये है, और इसके अंदर हमने ये शीशे इंस्टॉल किए हैं। और साथ ही साथ अब बात करते हैं अंदर के इंटीरियर के बारे में। तो अंदर हमने क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है, तो सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ मैं जो हमने इसमें स्विच इंस्टॉल किया है गाड़ी का मिरर के लिए, यहाँ पर इंस्टॉल किया है, और ये प्रॉपर वर्क करेंगे आपको दिखाता हूँ मैं अभी। और उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको जो हमने इसमें इनर हैंडल भी चेंज किए हैं वो पहले दिखाता हूँ, जो बेस मॉडल में लग के आते हैं वो कौन से आते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ जो बेस मॉडल में इनर हैंडल आते हैं, ये वाले लग के आते हैं, देख सकते हो आप, यहाँ पे होते हैं इनकी जो ब्लैक होता है, ये देख सकते हो। और हमने ये रिप्लेस करके यहाँ पे लगाए हैं जो टॉप मॉडल वाले ओरिजिनल हैंडल इंस्टॉल किए हैं, देख सकते हो। उसी के साथ बात करते हैं अब स्टीयरिंग कंट्रोल के बारे में। तो ये भी दिखा देता हूँ मैं जो डम्मी आती है यहाँ पे लग के, तो स्टेयरिंग कंट्रोल में देख सकते हो ये वाली डम्मी लग के आती है। और हमने यहाँ पे ओरिजिनल मारुति के जो मारुति सुजुकी के जो स्टेयरिंग कंट्रोल लगाए हैं, और इसके स्विच भी देख सकते हो आप प्रॉपर फिटिंग के साथ हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। और जो हब इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है स्टेयरिंग कंट्रोल के लिए, तो वो भी हमने ओरिजिनल लगाई है, देख सकते हो जो बेस मॉडल की हब है उसकी जगह पर हमने जो ओरिजिनल टॉप मॉडल वाली हब इसमें इंस्टॉल कर दी है। तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मार्केट के अंदर जो स्टेयरिंग कंट्रोल लगाते हैं इंस्टॉल करते हैं तो मीटर के अंदर ये बत्ती आ जाती है, देख सकते हो, आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे जो बत्ती आई हुई है ये आ जाती है। और ये हमने फिर बाद में कंप्यूटर के साथ ही इसको रिमूव करना पड़ता है। और मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमने इसमें जो इंस्टॉल किया है वो साथ ही साथ ये बत्ती है जो चली जाएगी, देख सकते हो आप। मैं अभी गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो यहाँ से आपको जो बत्ती है वो चली गई है। ये हमने OEM फिटिंग के साथ इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है, और इसके जो स्विच वगैरह हैं देख सकते हो प्रॉपर फिटिंग के साथ हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। और ये भी आपको हमारे पास मारुति का ओरिजिनल पार्ट मिलेगा। और जो शीशे की बात की थी मैंने, आपको दिखा सकता हूँ मैं, ये प्रॉपर वर्क करेंगे, ये देख सकते हो आप, जो मैंने स्विच है यहाँ पर इंस्टॉल किया है। तो इसके बाद बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो जो हमने इसमें म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया है वो फुली एंड्रॉयड प्लेयर इंस्टॉल किया है, वो ये मेगासोनी कंपनी का आपको मिलेगा। दिखा देता हूँ आपको जो डम्मी लग के आती है यहाँ पे भी बेस मॉडल में, तो ये देख सकते हो ये वाला जो डम्मी लग के आती है गाड़ी के अंदर, तो हमने यहाँ पे ग्लोसरी फ्रेम के साथ हमने इसमें इंस्टॉल किया है जो म्यूजिक सिस्टम लगाया है, देख सकते हो। और मैं एक बार दिखा भी देता हूँ आपको प्रॉपर, ये देख सकते हो जो ये आपको फ्रेम दिखाई दे रहा हुआ है, फुली ग्लोसरी फ्रेम हमने इसमें इंस्टॉल किया है। मार्केट के अंदर आपको मैट फ्रेम ही मिलेंगे, हमने इसमें ग्लोसरी फ्रेम भी इंस्टॉल कर दिया है। उसी के साथ बात करते हैं अब म्यूजिक सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए जो हमने डंपिंग इंस्टॉल किया है इस गाड़ी के अंदर, तो वो डंपिंग हमने इसमें मेगासोनी कंपनी की लगाई है। और साथ ही साथ हमने दो सेट इसमें स्पीकर के जो लगाए हैं वो सोनी कंपनी के स्पीकर इंस्टॉल किए हैं इस गाड़ी के अंदर। और अब दिखा देता हूँ आपको, हमने इस गाड़ी के अंदर जो स्टेयरिंग पे रैप भी किया है, देख सकते हो विद स्टिचिंग के साथ हमने इसमें
स्टेयरिंग कवर भी लगाया है। और अब एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ जो हमने इसमें मारुति की ओरिजिनल आइटमें लगाई हैं वो क्या क्या आइटम इंस्टॉल की हैं इस गाड़ी के अंदर। पार्सल ट्रे इंस्टॉल की है, ये भी हमारे पास आपको मारुति सुजुकी कंपनी की ओरिजिनल पार्सल ट्रे मिलेगी। तो आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ जो जो इसमें हमने मारुति की ओरिजिनल आइटमें लगाई हैं। सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको हमने फ्रंट ग्रिल जो है वो मारुति की ओरिजिनल लगाई है। उसके बाद जो साइड मिरर चेंज किए हैं वो भी हमने इसमें मारुति सुजुकी के ओरिजिनल पार्ट इंस्टॉल किए हैं। उसी के साथ आपको दिखा देता हूँ मैं स्टीयरिंग कंट्रोल है और जो ये हमने यहाँ पे स्विच इंस्टॉल किया है ये भी आपको हमारे पास मारुति का ओरिजिनल ही मिलेगा। और इनर हैंडल इंस्टॉल किए हैं ये भी मारुति के ओरिजिनल मिलेंगे। और स्टीयरिंग कंट्रोल लाजवाब फिटिंग के साथ हमने इसमें इंस्टॉल किया है। इसकी मैं फिटिंग नीचे से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो। तो ये फिटिंग रहेगी बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ हमने इंस्टॉल किया है। अगर आप भी ऐसी मॉडिफिकेशन चाहते हो तो सरदाना कार डेकोर पे विजिट करें। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।